मिले। मजा आ गया यार, खाने में आनंद आ गया। आजकल डॉक्टर कारिका खाना अच्छा नहीं बनाती? अरे नहीं नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, कारिका जी तो कमाल का खाना बनाती है। अरे तुम खाओगे तो उंगलियां चबा जाओगे यार। मगर वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या? एक तो वो हर रोज खाना नहीं लाती है, और दूसरा? दूसरे वो खाने के साथ साथ तो उनकी चटपटी बातें सुननी पड़ती है। तो उसमें बुरी बात क्या है? तो अच्छा ही है ना। अरे नहीं नहीं यार, बातें क्या, बातें हैं साड़ों के साहब के बारे में, तरह तरह के जहर के बारे में, एसिड के बारे में। आप खाना खा रहे हो, सामने बात चल रही है जहर एसिड साड़ों के। ये साड़ों के बीच में कहाँ से घुस गया? मैं इसी हिसाब से बोलकर ट्रांसफर करवा दूँ। अरे नहीं यार, साड़ों के अपने गुरु हैं, थोड़ा टेढ़ा है पर है तो अपना आदमी ना। मैं जरा अरे यार बिल तो देते जाओ ना। अरे आकर देता हूँ बाबा। तुम यहाँ कैसे? फुटबॉल खेलने आई। फुटबॉल यहाँ पे? दया, रेस्टोरेंट में कोई क्यों आता है डिनर करने? तुम यहाँ डिनर करने किसके साथ हो? है एक लड़का, तुम जानते नहीं उसे। तुम मरी सिर्फ दोस्त है। अच्छा? दया, तुम भी ना अपनी फैमिली के साथ आई हो। मुझे लगा मुझे पता है तुम्हें क्या लगा होगा। चलो तुम्हें मॉम डैड से मिलवा लेती हूँ। मॉम डैड से यहाँ पे? नहीं आज नहीं प्लीज, समझ ना कभी तो मिलना ही पड़ेगा ना। चलो चलो डोंट वरी। मॉम डैड, मैंने आपको दया के बारे में बताया था। ओह हाउ डू यू यंग मैन? आई एम फाइन, हाउ आर यू? पूर्वी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। वो तो बस ऐसे ही। पूर्वी की चॉइस गलत थोड़ी हो सकती है। और नहीं तो क्या? और ये है परेश, मेरा छोटा भाई। हाय परेश। अभिजीत आप आओ। ये पूर्वी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। ये पूर्वी के मॉम और डैड। और ये तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ बोल, यहाँ पे क्या कर रहा तू? मैं? हाँ तू। क्या आदमी तुम्हारा दोस्त है दया? हाँ हम लोग CID में साथ में काम करते हैं। पर बात क्या है? अच्छा अब CID में ऐसे खूनी लोग भी काम करने लगे हैं क्या? खूनी? आप ये क्या कह रहे हैं? अच्छा हुआ दया की असलियत सामने आ गई। अगर ऐसे खूनियों के साथ उसका उठना बैठना है तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारा कोई भी ताल्लुक हो ऐसे आदमी के साथ। चलो एक मिनट एक मिनट, आप खूनी किसे कह रहे हैं? अभिजीत को? ये अभिजीत नहीं है, ये अरविंद है। अरविंद और ये खूनी है, इसने मेरे बेटे का खून किया है, इसने मेरे सिद्धार्थ का खून किया है, खूनी है ये। खून? मैंने? आप ये क्या कह रहे हैं? और ये अरविंद कौन? तू है अरविंद। पूर्वी ये सब क्या मजाक है? दया ये मजाक नहीं है, ये अरविंद है और इसने मेरे बड़े भाई का खून किया 15 साल पहले। 15 साल पहले? खूनी? इतनी आसानी से खूनी कह दिया उन लोगों ने मुझे। खूनी का मतलब भी समझते हैं? मालूम है खूनी कैसा होता है? हम लोग मिलते हैं हर रोज खूनी से, खूनी कह दिया मुझे। जी तुम बताते क्यों नहीं कि असली बात क्या है? हा? क्या बात है जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो? क्या हुआ था 15 साल पहले? कहीं तुमने वाकई पूर्वी के बड़े भाई सिद्धार्थ का खून दिया? यार तुम उन लोगों की तरह सोच रहे हो यार? हाँ क्योंकि तुम सच बोल नहीं रहे हो इसलिए। बस है बस, एक शब्द भी मत निकालना मुंह से वरना। वरना क्या? वरना अच्छा नहीं होगा। ओह तो अब तुम धमकी भी देने लगे हो? अरे यार मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है 15 साल पहले क्या हुआ था। तुम जानते हो कि मेरे बीते हुए कल का वो हिस्सा एक कोरे कागज की तरह है, बिल्कुल खाली है। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। अभिजीत मेरे बेटे हैं। आप कौन हैं? मैं समझ गया बेटा।
ऐसे मत कर। मैं माँ हूँ तुम्हारी, माँ हूँ माँ। जी, एक बात बताओ, ये सब याददाश्त चले जाने की बातें, ये सब एक दिखावा तो नहीं है? हाँ? तुम कह रहे हो, तुम कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं भी यही दुआ मांगूंगा अभिजीत, कि झूठ नहीं ये सच हो, वरना हमारी इतने साल की दोस्ती, ये विश्वास मिट्टी में मिल जाएगा। और सीआईडी ऑफिसर होके जो तुमने इज्जत कमाई है ना, हमेशा हमेशा के लिए उसमें दाग लग जाएगा। देखो दया, मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं वाकई नहीं जानता हूं कि मैंने सिद्धार्थ का खून किया है या नहीं। अभिजीत, जब तुम हमें मिले थे 15 साल पहले, उस वक्त तुम होश में नहीं थे, तुम्हारे चेहरे पे चोटें लगी हुई थी, बहुत मारा था उन गुंडों ने तुम्हें। तो हो सकता है उन गुंडों का और तुम्हारा कुछ संबंध हो। एक सीआईडी ऑफिसर को गुंडों ने पकड़ लिया है, इसका यह मतलब हो गया कि वो सीआईडी ऑफिसर उन गुंडों का दोस्त है? कमा लेते हैं। इस बार अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से पूछो, क्या तुम किसी का खून कर सकते हो? शायद। क्या हुआ है? मेरे दोनों होनहार ऑफिसर्स के बीच में बहस क्यों हो रही है? क्या हुआ? ये आप अभिजीत से ही पूछ लीजिए सर। क्या हुआ? ये दया इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? नहीं सर, एक्चुअली वो हेलो, इसे भी प्रद्युमन है। लाश कहां पर? ठीक है, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझे? तुम जानते हो किसकी लाश है ये? नहीं सर, ये बिल्डिंग अभी नई नई है, यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं। तो क्या आसमान से टपका ये लाश? किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर, किसी ने हाथ नहीं लगाया। किसी भारी हथियार से पीछे से मारा है सर पे। सर, ये लोहे की रॉड मिली है सर, शायद खून इसी से किया गया है। शायद इसी रॉड से ही मारा गया है। जरा संभाल के रखो इस एविडेंस को, ओके? सर, आप इसे जानते हैं? हाँ जानता हूँ। अब ये पूर्वी को कैसे बताऊँ मैं? सर, ये घड़ी मिली है सर, टूटी हुई। मैं पूर्वी को फोन करूँगा। लास्ट को पढ़ने से याद कीजिए। ठीक है, जब आप पूर्वी को फोन कर दिए। हाँ यार, किसी की मौत की खबर सुनाने से ज्यादा मुश्किल काम और कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ यार, हौसला रखो, तहकीकात तो पूरी करनी है। गेट को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कुछ निशान निशान मिलते हैं। जी
ये दीवार के ऊपर से कूद के तो नहीं आया होगा। दीवार भी काफी ऊंची है और ये ऊपर दिल भी लगा हुआ है। कहाँ से आए वो दोनों? लेकिन सर गेट पे तो ताला लगा था, अभी अभी आपके सामने खोला है ना। दो आदमी अंदर आए हैं, एक खून हुआ है, ताला लगा था। चाबी तो तुम्हारे पास रहती है ना? खून शायद यही से आया। वो घड़ी दिखाना क्या तुम्हें मिली? परेश और खूनी के बीच से हाथापाई हुई होगी, तभी टूट के घड़ी गिर गई। परेश ऐसी सुनसान जगह अपने करने क्या है? ये तो पूरी के घर वाले बता सकते हैं। मेरी चिता को अग्नि कौन देगा? कौन मेरी आरती उठाएगा? मीनाक्षी संभालो, शायद भगवान की यही मर्जी है। CID दया, मार दिया उसने पहले से दाद भैया को और परेश को भी मार दिया। सुनो लोग, हम लोग इस केस की तहकीकात करने के लिए हैं ताकि हम परेश की खूनी को पकड़ सकें। अब क्या तहकीकात करना बाकी है? जाओ जाके पकड़ो उस अरविंद को, उसने मेरे दोनों बेटों को मारा है, खूनी है वो, जाओ जाके पकड़ो उसे। ये अरविंद को ना? दया ने बताते क्यों नहीं अरविंद कौन है? अरविंद सर आप जानते हैं उसको? इन लोगों का कहना है कि अभिजीत ही अरविंद है। मतलब अपने अभिजीत सर? हाँ। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये बकवास है सर। ये बकवास नहीं, ये सच्चाई है। आपके CID ऑफिसर अभिजीत ने ही मेरे भाई का खून किया था 15 साल पहले, और मेरे छोटे भाई परेश को भी मार डाला। तुम होश में तो हो? ये क्या अनाप शराब बके जा रही हो अभिजीत सर के बारे में? आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए, मुझे अपने भाई के खून की तहकीकात ऐसे लोगों से नहीं करवानी जिनमें से एक खुद मेरे भाई का खूनी हो। आप लोग कहीं इसलिए तो नहीं आए कि अरविंद को बचाने के लिए आप किसी और पर ये इल्जाम लगा सके? बस बहुत हो गया, आप लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं कि आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। CID पे? वो CID जिसने कानून की रक्षा के लिए अपनी जान तक को दांव पे लगा दी, वो CID जिसने आज तक किसी भी खून या मुजरिम को छोड़ा नहीं। रही बात अभिजीत की, मैं उसे तो पूछ लूंगा कि आप लोगों के इल्जाम में सच्चाई कितनी है। विश्वास नहीं हो रहा है दया, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे? क्या बताता सर मैं आपको कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं उसके भाई का खून किया अभिजीत ने, वो भी आज से 15 साल पहले। दया 15 साल पहले जो खून हुआ वो तो हो ही गया, लेकिन अब इस खून का क्या जो कल हुआ है पूर्वी के दूसरे भाई का, परेश का? मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा सर। पहले मुझे इस सिद्धार्थ के खून के बारे में पता चला, उससे मैं संभला ही नहीं था कि अब ये परेश का खून हो गया। मेरी पूर्वी के साथ दोस्ती झलकता सर एक अभिशाप बन गया, उसके ऊपर से सर ये अभिजीत तो भी गायब है। विवेक अभिजीत को फोन लग रहा है या नहीं? नहीं सर, रिंग बज रही है लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहे। डैमिट, क्या करके बैठे हो तुम अभिजीत? मुश्किल सवालों से तुम बच नहीं सकते। सर मैं जाकर सिद्धार्थ के मर्डर केस की फाइल्स ढूंढ के लाता हूँ, हो सकता है इन दोनों भाइयों के खून में आपस में कुछ संबंध हो। हाँ सर, हो सकता है कि इस फाइल से हम अभिजीत सर की बेगुनाही साबित करें। हाँ हो सकता है, शायद अभिजीत बेगुनाह हो, मगर वो है कहाँ?
हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है। तारीका, क्या कहती है रिपोर्ट? सर, उस लोहे के रॉड के ऊपर जो उंगलियों के निशान मिले वो परेश के नहीं, किसी और के हैं। तो उस खूनी के होंगे? और सर, वो खून जो आप लोगों को उस लोहे के गेट के ऊपर से मिला है वो भी परेश का नहीं। तो फिर वो खून भी खूनी का ही हो सकता है? दया, परेश ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी और उस हाथापाई में खूनी को चोट लग गई। सर, अगर खून के सैंपल को अभिजीत से मिला के देखे तो? अभिजीत के खून के साथ? हाँ सर। एक मिनट। हाँ पूर्वी, अभी ठीक है, मैं पहुंचता हूं। क्या हुआ पूर्वी, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है दया, मेरे भाई का खून हो गया, सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? देखो पूर्वी, संभालो अपने आप को। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम लोग तुम्हारे भाई के खूनी को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। मेरे परिवार का तो कानून पर से विश्वास ही उठ गया है। 15 साल पहले भी हमें इंसाफ नहीं मिला था और लगता है इस बार भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे भाई के कातिल को फांसी तक पहुँचाऊंगा, ठीक है? और तुम्हें मालूम है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और अगर वो खूनी अभिजीत हुआ तो? सीआईडी की नजरों में एक खूनी खूनी है, चाहे वो जो कोई भी हो, उसे सजा होगी। दया, उसी ने मारा है मेरे भाइयों को, उसे सजा मिलनी चाहिए। दया, उसे फांसी होनी चाहिए। पूर्वी, बिना ठोस सबूत के तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है। क्या सबूत? सबूत है अभिजीत के खिलाफ? वही तो परेश लेने गया था, पर इससे पहले कि वो सबूत उसके हाथ लगता अभिजीत ने उसे मार डाला। ये क्या बोल रहे हो तुम? चलो गाड़ी में बैठो। विवेक, फोन जुड़ गया? हाँ सर, जुड़ने ही वाला है सर। जल्दी करो विवेक, जल्दी करो, हमें पता लगाना चाहिए कि परेश ने मरने से पहले किस किस को फोन किया था। सर, अभिजीत सर ने आपको फोन किया? नहीं, ना उसने फोन किया, ना कोई मैसेज भेजा, ना अपनी शक्ल तक दिखाई। समझता नहीं है, ऐसे करने से उस पर शक और भी बढ़ता है। ये तो यकीन नहीं हो रहा है सर, अभिजीत सर ऐसा कर सकते हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है फ्रेंडी, कि अभिजीत ऐसा कुछ कर सकता है। पर वैसे भी 15 साल पहले का किसको याद रहता है? अभिजीत को तो अपने पिछले जिंदगी का कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी। फोन जुड़ गया है सर। जुड़ गया? काशा, जल्दी से देखो परेश ने मरने से पहले किस किस को फोन किया था और कहां कहां से फोन आए थे, जल्दी देख। ये क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? सब, परेश को 2 घंटे पहले किसका फोन आया था? सब, किसका फोन आया था? सब, अभिजीत सर का। अभिजीत का फोन था? मतलब अभिजीत सर ने परेश को फोन किया था? विक, अभिजीत को आप भी फोन लगाओ, इसी वक्त लगाओ फोन। तो फोन अभी भी स्विच्ड ऑफ आ रहा है। फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है? ये अभिजीत है कहां और कर क्या रहा है? पूर्वी, तुम्हें वाकई यकीन है कि परेश के पास कोई सबूत था अभिजीत के खिलाफ? देखो, ये अभिजीत की जिंदगी का सवाल है, उसके सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, प्लीज। दया, मेरे भाई मर गए, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है, अभिजीत की जिंदगी की ज्यादा परवाह। देखो पूर्वी, तुम्हारे भाइयों की मौत का मुझे भी उतना ही अफसोस है जितना तुम्हें है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तो बस बैठ के अफसोस ही करते रहो। जो खूनी तुम्हारे सामने खुलेआम घूम रहा है उसे तो तुम पकड़ नहीं सकते। अगर अभिजीत ने खून किया है तो उसे सजा मिलेगी। मैं भी देखती हूँ कि जो तुमने सुख दुख में साथ रहने के वादे किए थे उनमें कितनी सच्चाई है, और ये भी देखती हूँ कि तुम्हारे लिए अभिजीत ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरे भाई। ठीक है, बताओ परेश के पास क्या सबूत था कि अभिजीत एक गुनेगार है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। नहीं बता सकती का क्या मतलब है?
तुम मुझे अभिजीत को गिरफ्तार करने के लिए कह रही हो और सबूत क्या ये बता नहीं सकती? दया, मुझे नहीं पता वो सबूत क्या है। परेश वही तो लेने गया था, फिर इससे पहले कि वो सबूत उसके हाथ लगता, अभिजीत ने उसकी जिंदगी ही छीन ली। ठीक है पूर्वी, अगर वाकई कोई सबूत है तो मैं ढूंढूंगा वो सबूत। तो दया ने हमको बताना चाहिए था ना। एक काम करो, ये बेल बजाना बंद करो, अंदर झांक के देखो, जाओ जल्दी देखो। सर, अभिजीत सर के घर में इस तरह से ताकझांक करना अच्छा नहीं लगता सर। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो सर, सर, मैं देखता हूँ सर, जल्दी देखो। दया, तुमने फोन बंद क्यों किया है? क्या तुम सच कह रहे हो? एक मिनट, पूर्वी के कहने के मुताबिक परेश के पास कोई ऐसा सबूत था जो अभिजीत के खिलाफ था? अच्छा, ठीक है। हाँ सर, दया सर क्या कह रहे थे? अभिजीत सर के खिलाफ सबूत? हाँ, अभिजीत के खिलाफ सबूत। फ्रेडी, अगर परेश का खून किया है अभिजीत ने वो सबूत पाने के लिए, तो वो सबूत भी इसी घर में होगा, कहीं पे तो छुपा के रखा होगा उसने। एक काम करो फ्रेडी, दरवाजा तोड़ दो, अभिजीत के घर का दरवाजा तोड़ दो। में नहीं आता कितने दिनों से घर पर नहीं आया है, बर्तन झूठे के झूठे ही पड़े हैं। सर, अभिजीत सर प्रॉब्लम में है, अपनी बेगुनाही साबित करने का सबूत ढूंढ रहे होंगे सर। क्या पता क्या ढूंढ रहा है, ऐसे करने से तो उस पर शक बढ़ते ही जा रहा है। सर, 15 साल पहले क्या हुआ ये तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन अभिजीत सर ने अगर परेश को मारा है तो उनकी उंगलियों के निशान लोहे के रॉड पे जरूर मिलते। बच्चों जैसी बातें मत करो फ्रेडी। अभिजीत को 12 साल हुए सीआईडी में, तो क्या वो 12 साल तक हमारे लिए अपनी उंगलियों के निशान छोड़ के जाएगा? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप लोग आने वाले हैं, नहीं तो घर की थोड़ी साफ सफाई कर देता। अच्छा, साफ सफाई कर देते या फिर वो सबूत ही मिटा देते जिसकी वजह से परेश का खून हुआ है? परेश? हाँ सर, आप लोगों को लगता है कि परेश का खून मैंने किया है? मुझे क्या मालूम अभिजीत कि ये खून तुमने किया है और किसी ने? अगर तुम फोन उठाते या मिलने आते तभी तो हम तुमसे पूछ सकते थे कि ये खून तुमने किया है और किसी ने। मतलब सर, आप लोगों को लगने लगा है कि मैं एक खूनी हूं? अभिजीत, जब तक तुम बेगुनाह साबित नहीं होते तब तक ये शक तुम पर रहेगा। सर, आपको पता है कि मुझे मेरा बीता हुआ कल याद नहीं है। 15 साल पहले सिद्धार्थ के साथ किया हुआ था मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने परेश का खून नहीं किया है सर। फ्रेडी, घर की तलाशी लो, वो सबूत ढूंढो जिसके बारे में दया ने बताया था। अभिजीत, तुम्हें मालूम है ना,
जहां पर परेश का खून हुआ वहां पर हमें कुछ खून मिला जो शायद खूनी का हो सकता है। ठीक है सर, आप चाहें तो मेरे खून से वो खून मिला के चेक कर सकते हैं। वो तो हम करेंगे ही अभिजीत, मगर सर हाँ सबूत तो नहीं मिला सर, लेकिन कुछ मेडल्स जरूर मिले बहादुरी के जो आप ही नहीं दिए थे अभिजीत सर को। मैं उम्मीद करता हूं अभिजीत कि उन मेडल्स की चमक कभी फीकी ना पड़े। हाथ कांपने मत देना तारिका, ड्यूटी पहले है सेंटिमेंट्स बाद में। ये क्या हो रहा है प्रतिभा, ये तुम हमसे क्या करवा रहे हो यार? अभिजीत इस वक्त एक सीआईडी ऑफिसर नहीं है, वो एक ऐसा इंसान है जिस पर हमें शक है। सर मैं थोड़ी देर में आता हूं। नहीं दया, तुम कहीं नहीं जाओगे, ये किसी के लिए भी आसान नहीं है समझे। मेरे से नहीं होगा बॉस, ये तुम एक पत्थर दिल इंसान हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के लोगों में कोई इंसानियत नहीं बची है। अच्छा, अब कहां गई तुम्हारी ड्यूटी? ये अचानक तुम्हारे मन में तूफान कहां से उठा? क्यों सर, क्या रिजल्ट है तारिका? वो अभिजीत सर का खून नहीं है ना? डॉक्टर तारिका कुछ तो बोलिए प्लीज। हाँ तारिका बोलो। सर मैं चाहती हूँ कि आप भी रिजल्ट एक बार देख लीजिए, चाहिए तो फिर से टेस्ट कर लीजिए। ये अभिजीत की इज्जत का सवाल है, ऐसा ना हो कि हमारे हाथों उसका करियर बर्बाद हो जाए। ये क्या फुसफुस हो रही है? कोई खुसर फुसर नहीं हो रही है बॉस। तो फिर सबके सामने खुल कर बताओ क्या रिजल्ट है। साड़ुंखे ये बार बार टेस्ट क्यों हो रहे हैं? तारिका कहीं तुम अभिजीत को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? तारिका वो खून अभिजीत का है या नहीं, जल्दी बताओ। साड़ुंखे जल्दी बताओ वो खून अभिजीत का है या नहीं? नहीं है, ये खून अभिजीत का नहीं है। बस खुश। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा बोझ उठाया हमारे ऊपर से। अभिजीत देखो बुरा मत मानना, तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन था मुझे, मगर क्या करें, एक सीआईडी ऑफिसर होने के नाते ये सब करना ही पड़ता, मैं मजबूर था। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। सही है लीजिए। क्या ये अभिजीत? मेरा इस्तीफा है सर, रेजिग्नेशन। क्या तुम होश में हो? होश ही तो गंवा चुका हूं सर। इंसान चाहे कितने भी ऊंचे पहाड़ से गिर जाए सर, मगर कोशिश करके वो खड़ा हो ही जाता है, मगर जब अपनों की नजरों में गिर जाए तो उसे कोई खड़ा नहीं कर सकता सर। ये क्या बात कर रहे हो अभिजीत? आज भी हमारे दिल में उतना ही प्यार और इज्जत है तुम्हारे लिए जितना हमेशा से था। और क्या अभिजीत, अब तो इस ब्लड टेस्ट से तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई है यार, फिर तुम ऐसा कदम क्यों उठाना चाहते हो? परेश का खून मैंने नहीं किया, पर सिद्धार्थ के खून का क्या? शायद उसका खून मैंने किया, और एक खूनी को सीआईडी में रहने का कोई हक नहीं है सर। सर
अभिजीत, अभिजीत रुक जाओ, अभिजीत। अभिजीत, अभिजीत रुक जाओ, अभिजीत रुक जाओ, ये क्या पागलपन है? अभिजीत, अभिजीत, ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम सीआईडी छोड़ नहीं सकते, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, हमारी जिंदगी है, तुम जिंदगी से भागना चाहते हो? हाँ, तेरा मैं जिंदगी से नहीं भागता, ये तो जिंदगी है जो हर बार मुझसे दूर भाग जाती है, मेरा अतीत पहले ही मुझसे दूर हो चुका था, अब मेरा आज भी मेरा नहीं रहा, पता नहीं ये तीसरी जिंदगी में शुरू कर भी सकूंगा या नहीं। अभिजीत देखो, मैं जानता हूं तुम पर क्या क्या बीत रही है, बहुत मुश्किल है इस दर्द से गुजरना, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं अभिजीत, प्लीज प्लीज अभिजीत, आई एम सॉरी, मैंने एक पल के लिए तुम पर शक किया था, मगर मेरा दिल जानता था कि तुम कभी किसी का खून नहीं कर सकते थे, ना आज ना से 15 साल पहले। तुम्हें पूरा यकीन है कि 15 साल पहले मैंने कुछ नहीं किया? देखो दया, 15 साल पहले क्या हुआ था किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बीते हुए कल की वजह से तुम्हारे तुम्हारे आने वाले कल पे आ जाए। पूर्वी अच्छी लड़की है, तुम लोग साथ में बहुत खुश रहोगे, मैं चलता हूं यार। अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत का रेजिग्नेशन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा। सर, हमने परेश के सारे फोन रिकॉर्ड्स चेक कर लिए हैं सर, उस लिस्ट में उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा और किसी का भी नंबर नहीं है। कोई अनजान या टेढ़ा नंबर? नो सर। और वो नंबर्स जहां से फोन आए थे जब परेश रेस्टोरेंट में था? नहीं सर, सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों के नंबर्स है और उन पर हमें कोई शक नहीं है। वो घड़ी का क्या हुआ जो हमें छत पर से मिली थी? सर, वो घड़ी काफी महंगी है सर, हर किसी के पास नहीं होती, मतलब खूनी कोई अमीर आदमी हो सकता है। कोई चोर भी तो हो सकता है सर, जिसने उस अमीर आदमी की घड़ी चुराई हो और हाथापाई के बीच में घड़ी टूट के नीचे गिर गई होगी। जो भी हो, अगर ऐसा है तो फिर जिसकी भी वो घड़ी है उसके हाथ पर कोई ना कोई चोट तो जरूर होनी चाहिए। सर, अरे क्या लिख रहा? सर, पूर्वी के भाई सिद्धार्थ के मर्डर केस की फाइल है सर। कुछ मिला है क्या इसमें? हाँ सर, सारे शक दूर हो जाएंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा सर, शीशे की तरह। ये देखिए सर, इसमें लिखा है कि सिद्धार्थ का खून पेट में चाकू मारकर किया गया था और खूनी ने उसे बाद में रास्ते पे लहूलुहान छोड़ दिया था मरने के लिए। उसके बाद तहकीकात में पता चला कि इससे ठीक पहले सिद्धार्थ एक बार में गया था और वहां अरविंद नाम के किसी आदमी के साथ उसकी लड़ाई भी हुई थी। सर, पूर्वी के घर वालों ने जब अभिजीत को देखा तो वो लोग उसे अरविंद कह के बुला रहे थे। खूनी का नाम भी अरविंद और अभिजीत का नाम भी अरविंद है सर। ये देखिए, ये फोटो भी मिली इस फाइल में। मतलब पुलिस का पहले से ही अभिजीत पर शक था और इसीलिए उसकी फोटो अभी भी फाइल में है। ठोस सबूत और गवाह ना मिलने की वजह से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी अभिजीत को, बाद में केस बंद कर दिया गया। दया, अगर ऐसा है तो फिर वो तुम्हारी जो दोस्त है पूर्वी, वो किस सबूत की बात कर रही थी जिसकी वजह से परेश का खून हो गया? सर, शायद पूर्वी के घर वाले जानते हो कि उस रात परेश छत पर किससे मिलने गया था। अगर ऐसा है तो चलो पूर्वी के मां बाप से जाकर मिलते हैं। तुम क्यों आंटी, ये पूर्वी इस तरह रो क्यों रही है? हम लोग घर में नहीं थे, हमारे पीछे
परेश के रूम में कोई घुस गया। परेश के कमरे में? हाँ। पूर्वी, पूर्वी बेटा, रोना बंद करो बेटा, अब रोने से क्या फायदा? क्या बात है पूर्वी, परेश के कमरे से कुछ चोरी हुई है क्या? जाकर अभिजीत से क्यों नहीं पूछते ये क्या चुराने आया था परेश के कमरे से? देखो पूर्वी, बिना किसी सबूत के अभिजीत सर का नाम बदनाम मत करो। बदनाम नहीं तो क्या इज्जत करूं? देखिए वो कोई मामूली चोर भी हो सकता है। अरे कोई सामान चोरी नहीं हुआ, बस परेश के कमरे में आकर उथल पुथल कर चला गया वो खून। कहीं वो खूनी उस सबूत की तलाश में तो नहीं आया था जो परेश के पास था? हाँ दया, क्योंकि वो सबूत उसे फांसी तक पहुंचा सकता था। सर हो सकता है कि जिस रात परेश का खून हुआ उस रात वो सबूत खूनी के हाथ आया ही नहीं। हाँ ताशा, और शायद इसी सबूत को पाने के लिए उन दोनों में हाथापाई हुई होगी और इस खूनी को भी चोट आई थी उसमें। सर फिर तो ये भी हो सकता है कि सबूत परेश के रूम में ही था और आज वो खूनी उसे लेकर चला गया। नहीं, वो सबूत अब तक खूनी के हाथ नहीं लगा। ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि उस रात जब परेश घर से निकला तो उसके हाथ में एक बैग था, जरूर वो सबूत उसी बैग में होगा। परेश, एक बज गए, इतनी रात को परेश कहाँ जा रहा है? सर पर परेश की लाश के पास तो कोई बैग नहीं मिला है। सर शायद परेश को मारने के बाद खूनी ने वो बैग लिया होगा। नहीं विवेक, अगर उसे सबूत मिल गया होता तो वो यहाँ वापस आता ही क्यों? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि खूनी ने वो बैग वहीं पर छुपा दिया होगा, छत पर। आप लोग ये सबूत वबूत ढूंढना बंद कीजिए और अभिजीत को गिरफ्तार करिए। अगर और कोई होता तो अब तक उसे गिरफ्तार कर लेते ना, बस अभिजीत है इसलिए। तुम कहना क्या चाहती हो पूर्वी? हाँ? कि हम लोग बाकी के केसेस में बिना सबूत के लोगों को पकड़ते हैं? कानून सबके लिए एक है, चाहे वो अभिजीत हो या फिर कोई और। वैसे भी अभिजीत ने सीआईडी छोड़ दिया है। अच्छा ही हुआ, वैसे भी वो सीआईडी के लायक कहा था। सब चलिए यहां से। दया, मैं इसका क्या मतलब समझू? कि अभिजीत की दोस्ती तुम्हारे लिए मेरे प्यार से ज्यादा मायने रखती है? मेरे लिए दोनों बराबर हैं। अच्छा यही होता कि तुम दोनों मेरी जिंदगी में ना ही आते। तुम हम दोनों की दोस्ती को नहीं समझोगी पूर्वी, नहीं। अगर आज मैं जिंदा खड़ा हूं तुम्हारे सामने तो इसके पीछे अभिजीत का हाथ है। तुम जिस आदमी से नफरत करती हो उस आदमी ने मेरी जान बचाई है कई बार, मेरे लिए वो खतरों से लड़ जाता था। पर जाने दो, तुम्हारे समझ में ये बात नहीं आएगी, मुश्किल है। वो बैग यहीं कहीं होना चाहिए, चारों तरफ देखो। सर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। सर खूनी बैग उठा के ले गया होगा। सर यहाँ ऊपर कुछ है। क्या इस टैंक के अंदर कुछ है? सर जाके देखो नीचे, सीधी ले संभाल के जाना विवेक। अभी आ रहे हो सर? अरे ये छोटा मोटा काम है, तू ही कर लेना। ज्यादा पानी है क्या? हाँ सर। ओ तो फिर तू ही कुछ जा अंदर, मैं बाहर से देखता हूँ।
सर यहाँ पे ये बैग है सर। आजा होता। सीडी विवेक जल्दी से उस सीडी ताशा को दो। ताशा प्ले करो, देखते हैं क्या है उस सीडी में। इस बैग के ऊपर से कोई निशान वगैरह मिले विवेक? नहीं सर, इस बैग के ऊपर किसी के भी उंगली की निशान नहीं है। परेश का खून हो गया इस सीडी की वजह से, ना जाने क्या होगा इसमें। फ्रेडी घबराओ मत। नहीं नहीं सर, मैं क्यों घबराऊंगा, ऐसी सीडी तो बहुत बार देख चुका हूं मैं कोई और काम कर लेता हूं, जब सीढ़ी शुरू हो जाएगी आ जाऊंगा। रुको फ्रेडी। सर शुरू हो गया। सर आगे कुछ भी नहीं है। सर अभिजीत सर ने तो सिद्धार्थ को बचाने की कोशिश की थी, उन्होंने तो चाकू निकाला था सिद्धार्थ के पेट में से। हाँ सर, जिस किसी ने भी ये रिकॉर्डिंग की थी वो अभिजीत सर को फंसाना चाहता था। ये सीडी हम अभिजीत को दिखाते हैं, शायद उसे कुछ याद आ जाए। अभिजीत इस आदमी को पहचान दो जो इस वीडियो में है। नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता सर। ये सिद्धार्थ है अभिजीत, सिद्धार्थ पूर्वी का भाई। 15 साल पहले इसका खून हुआ है, इसी के खून का इल्जाम तुम पर है। पर सर इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि मैं इस आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब इसे चाकू लगा था तब तो मैं वहां था ही नहीं। हाँ अभिजीत हमें पता है, तो मुझे पूरा यकीन है तुम बेगुनाह हो, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए। और एक बात अभिजीत, तुम्हारा रेजिग्नेशन मैंने फाड़ कर फेंक दिया है, अब चुपचाप इस केस पर लग जाओ, समझे? ओके सर। सर जिस आदमी ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है वही खूनी है सर, वरना वो अभिजीत सर की मदद करने नहीं आता, शायद सिद्धार्थ बच सकता था सर। सर मुझे लगता है जिसने सिद्धार्थ का खून किया है परेश का खून भी उसी ने किया है, मगर इस वीडियो में उस खूनी का सिर्फ हाथ ही दिख रहा है सर। फिर भी वो हमारे हाथों से बच नहीं सकता, इस हाथ से हम उस खूनी को ढूंढ निकालेंगे। अरे ये क्या हुआ, किसने मारा तुम्हें? ए, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या आदमी मर रहा है, तुम शूटिंग कर रहे हो, हटो। नहीं सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अभिजीत इस आदमी का अंगूठा देखो, बायोलॉजिकली जिस आदमी का अंगूठा इतना बड़ा हो उसकी कद उसकी हाइट 5 फुट 10 इंच या 5 फुट 11 इंच होती है, याद करो जरा। सर इस आदमी के नाखून देखिए, दबे दबे से लग रहे हैं, हो सकता है कि आदमी नाखून चबाता होगा। सर इसके नकल्स, ये यहाँ की हड्डियाँ कुछ सूजी हुई हैं, ऐसा लगता है इनमें चोट लगी है। हाँ सर, इसके उंगलियों के नकल्स पे निशान है। हाँ यह लगता है ये आदमी झगड़ालू किस्म का है, हाथापाई करने वाला। सब सर कोई मुक्केबाज बॉक्सर है? हाँ बिल्कुल, यस ये बॉक्सर ही हो सकता है। सर ये आदमी कुछ बोल रहा है।
बोल रहा है? जरा वॉल्यूम बढ़ा करो। हटो, क्यों मारा इसे? क्यों मारा इसे? हटो, बंद करो। क्यों मारा इसे? बात करते हुए लग रहा है इस आदमी की सांस फूल रही है। दया, लगता है इस आदमी को दमे की बीमारी है, अस्थमा है। सर वहां उस बार में जाना चाहिए सर, जहां पे सिद्धार्थ गया था मरने से पहले। हो सकता है वहां कोई उसे पहचानता हो, इस खूनी को जिसे अस्थमा है। सर ऐसा बहुत ही कम होता है सर कि कोई भी आदमी एक ही जगह पे 15 साल से काम कर रहा हो। अभी तक तो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और भी काम करने लगा होगा। देखो तुम दोनों, सीआईडी ऑफिसर को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव। कभी भी ये मत सोचना कि अपराधी नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। यहाँ के वेटर या मैनेजर से पता नहीं चला तो बार के मालिक से बात करते। अरे इतना पीता क्यों है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा। कौन पियला है? खुद पियला और अपने को बोलता है पियला हूं। अच्छा ये कितनी उंगलियां है? एक उंगली देखा कर पूछता है कितनी उंगली है। चल बेटा चल जा, टंकी फूल हो गई तेरी। अरे सुनो। यस सर। देखो यहाँ पर 15 साल पहले एक खून हुआ था, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हो? खून? हाँ। 15 साल पहले? जी हाँ। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप मैनेजर साहब से पूछिए। ठीक है। एक्सक्यूज मी। यस सर। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। 15 साल पहले यहां पर सिद्धार्थ नाम के एक आदमी का खून हुआ था। कुछ याद है आपको? कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? सर लेकिन वो खून हमारे बारे में नहीं हुआ था। हाँ ये तो हमें पता है, लेकिन क्या सिद्धार्थ के खून के बाद आपके यहाँ कोई अजीब सी चीज हुई? मेरा मतलब है कोई अजीब सा हादसा? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा अरविंद के अलावा किसी और ने किया होगा ये खून? आपको क्या लगता है, किस पर शक है आपको अरविंद के अलावा? शक तो नहीं सर, एक गौरव नाम का एक आदमी था सर। गौरव? यस सर। सर वो अक्सर यहाँ आया करता था, लेकिन सिद्धार्थ के खून के बाद उसने यहाँ आना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। अच्छा ये गौरव किस तरह का आदमी, मतलब उसकी चाल चलन बिहेवियर कैसा है उसका? सर एक नंबर का लुच्चा लफंगा आदमी था, कभी पैसे टाइम पर नहीं देता था, हमारे स्टाफ के साथ गालियां देकर बातें करता था। 2-3 बार तो हमारे अच्छे कस्टमर्स के साथ उसकी हाथापाई भी हो गई थी यहाँ। सर अपने जमाने का नामी बॉक्सर था, इसीलिए मुंह से कम हाथ से ज्यादा बात करता था वो। बॉक्सर था सब? सर कोई मुक्केबाज बॉक्सर है? कहाँ पे रहता था ये, कहाँ पे रहता है, है आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ उसका 15 साल पुराना एड्रेस है मेरे पास। कोई बात नहीं, भले 15 साल पुराना ही क्यों ना, दीजिए। सर मुझे तो लगा था कि गौरव घर में रहता है, मगर ये तो किसी दुकान का एड्रेस है। देखते हैं। आइए आइए सर, कहिए क्या दिखाऊं? देखिए हम यहाँ कुछ देखने या खरीदने नहीं आए। खरीदने नहीं आए तो फिर किस लिए आए हैं? आप लोग कौन हैं? सीआईडी? माफ करना साहब, पहचानने में थोड़ी गलती हो गई। बैठिए ना, क्या लेंगे आप, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक? नहीं नहीं थैंक यू, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गौरव चाहिए। गौरव? हाँ गौरव। पर यहाँ तो कोई गौरव नहीं है। सर मेरा नाम कैलाश है। देखिए कैलाश जी, जरा अपने दिमाग पर जोर लगाइए और याद कीजिए 15 साल पहले यहाँ कोई गौरव नाम का आदमी था। 15 साल पहले? अरे अच्छा अच्छा, कहीं आप उस गौरव की बात तो नहीं कर रहे हैं जो बॉक्सिंग किया करता था? हाँ वही गौरव,
जानते हो ना तुम? कहाँ है वो? बुला उसे। सर उसे तो मैंने कई साल पहले ही नौकरी से निकाल दिया था। वो मेरी दुकान में काम करता था। नौकरी से निकाल दिया? क्यों? सर एक नंबर का छटा हुआ बदमाश था वो। ऐसा आदमी नहीं चाहिए मुझे मेरी दुकान पे। मैंने सोचा कि उसे हटाकर मैं किसी शरीफ आदमी को लगा दूंगा, वरना मैं खुद ही संभाल लूंगा। इस गौरव का कोई एड्रेस या टेलीफोन नंबर है आपके पास? नहीं साहब, एड्रेस या फोन नंबर तो नहीं है, लेकिन हाँ शायद उसकी फोटो है मेरे पास। हाँ हाँ उसकी फोटो है, अभी दिखाता हूँ। ये रही साहब। तो ये है गौरव। खूनी हमारी आंखों के सामने था पर हम देख नहीं पाए उस भेड़िए को। तुम क्या अरविंद के खिलाफ वो सबूत मिल गया? उसी सबूत की बधाई देने आए हम लोग। बुलाओ अपने माता पिता को। बुलाओ। जी। उसी सबूत की बधाई देने आए हम लोग। बुलाओ अपने माता पिता को। बुलाओ। जी। आइए आइए आंटी जी, अंकल जी, कैसे हैं आप लोग? जब तक हमारे बेटे का खूनी आजाद घूम रहा है कैसे हालचाल हो सकते हैं? हाँ बोलो। इसीलिए हम यहाँ आए, यही बताने के लिए कि आपके बेटे के खूनी का पता चल गया है। इसका मतलब है आपने अरविंद को यानी कि अपने अभिजीत को अरेस्ट कर लिया है? एक बात आप सब लोग सुन लो, आज के बाद कोई भी अभिजीत को खूनी नहीं भूलेगा। अभिजीत निर्दोष है। अगर अभिजीत निर्दोष है तो फिर खूनी कौन है? अभी पता चल जाएगा। असली गुनेगार ये है। फांसी पर चढ़ाना चाहती थी ना तुम अपने भाइयों के खूनी को? अब मदद करो कानून की अपने मरे हुए भाई को इंसाफ दिलाने में। पापा माँ से सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी की थी बस। मतलब? हाँ मैं तुम्हारा सौतेला बाप हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके साथ मैंने इतना प्यार किया वो इतना कमीना निकलेगा। अरे अपने बच्चों को पैसों के लिए तुमने मार डाला। हाँ हाँ मैंने उसे मार डाला और सिर्फ पैसों के लिए। तो ना मेरे बच्चे नहीं तेरे बच्चे थे। ए, छोड़ देने तो गोली मारूंगा। अगर गोली चली ना तो मेरे हाथों ये पीसा खून भी हो जाएगा। मम्मी को छोड़ दीजिए प्लीज। मीनाक्षी तेरी बेटी तुझसे कितना प्यार करती है। यो दया को बोल मुझे जाने दे और मैं तेरी माँ की जान तो भाई जल्दी बोलो। प्लीज इन्हें जाने दो प्लीज मम्मी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, मैं मार डालूंगा इस लड़के को। सब वहीं रुके रहो। और जल्दी में हो हैं? सिद्धार्थ और परेश के खूनी से नहीं मिलोगे? मीनाक्षी का पहला पति पंकज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। पंकज बहुत अमीर था और मैं गरीब। जब मुझे पंकज ने बताया कि उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद उसका सारा पैसा मीनाक्षी को मिलेगा तो मैंने प्लान बनाया पंकज को मारने का और मीनाक्षी से शादी करने का प्लान। ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? जिसने मेरा सुहाग उजाड़ा मैंने उसी से शादी की। मैं
मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मीनाक्षी से शादी करके तुम्हारा प्लान तो कामयाब हुआ, मगर सिद्धार्थ को क्यों मारा तुमने? सिद्धार्थ को पता चल गया था कि मैंने ही उसके डैडी का खून किया था। और एक खून को छुपाने के लिए दूसरा खून, और क्या करता था? आज नहीं तो कल वो किसी ना किसी को तो बता ही देता ना मेरे बारे में। और 15 साल बाद अचानक अभिजीत तुम्हारे सामने आ गया। हाँ, परेश ने कसम खाई थी अभिजीत को सजा दिलाने की। अभिजीत को फंसाने के लिए मैंने एक वीडियो शूट किया था। उसके हाथ वो सीडी लग गई। अगर तुम्हारी हवा निकल गई ये सोचकर कि अगर हमने वो सीडी देख ली तो हमें पता चल जाएगा कि अभिजीत नहीं बल्कि खूनी तुम हो। मैंने तो सोचा था कि उसको प्यार से समझा बुझा के वो सीडी उससे ले लूंगा, लेकिन नहीं, वो भी अपने बाप और बड़े भाई जैसे जिद्दी था, इसीलिए उसका भी काम खत्म करना पड़ा मुझे। तुमने ना सिर्फ 3-3 खून किए बल्कि पूर्वी और मीनाक्षी की हंसी खेलती जिंदगी तबाह कर दी। फांसी से भी बढ़कर कोई सजा होती ना तो वो तुम्हें मिलती। विवेक ले जाओ इसे। चलिए मम्मी। दया, आई एम रियली सॉरी दया, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, हमारे प्यार पे भी शक किया। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी बोल देने से दिल पर भले लगे जख्म भर नहीं जाते पूर्वी। मैंने सोचा था कि मेरे मुसीबत के घड़ी में तुम मेरी ताकत बनोगी। ताकत तो दूर की बात, तुमने तो कोशिश की मुझे कमजोर करने की, अभिजीत को फांसी पर चढ़ाने की। एनीवेज बाय। दया प्लीज मेरी बात तो सुनते जा। थोड़ा नाराज है, जैसे ही गुस्सा ठंडा होगा तुम्हें फोन करेगा। अभिजीत, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें अनजाने में बहुत कोसा, बहुत बहुत कुछ कहा। गुस्से में तो ऐसा हो जाता है। आई एम रियली सॉरी, और मैंने दया को भी खो दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे मैं लाऊंगा तुम्हारे पास, एक भाई का वादा है। भाई